बीते महीनों में भारत पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती दाम का शिकार बना हुआ था। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से जारी युद्ध के बीच रूस ने क्रूड ऑयल को लेकर बड़ा ऐलान किया था। रूस ने कहा था कि वो क्रूड ऑयल की बिक्री ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले 30% के कम भाव से करेगा। इसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट में गिरावट की उम्मीद जगी थी, लेकिन भारतीय रिफाइनरी को रूस के सस्ते क्रूड ऑयल का कुछ खास फायदा नहीं मिला। बजाय इसके यूरोपीय देशों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत के बाद भारत की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरियों ने रूस से क्रूड ऑयल का निर्यात बढ़ा दिया। रूस ग्लोबल रेट के मुकाबले कम दर पर क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन भारत पहुंचने के बाद रूस का क्रूड ऑयल मात्र $10 प्रति बैरल ही सस्ता पड़ रहा है। वहीं यूरोपीय देश रूस की इस छूट का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल यूरोप रूस के करीब है, इसकी वजह से कच्चे तेल की डिलीवरी की कॉस्ट कम पड़ती है। वहीं भारत को डिलीवरी के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ता है। खबरों के मुताबिक रूस इस वक्त ग्लोबल रेट के मुकाबले 35% के कम रेट पर क्रूड ऑयल बेच रहा है। ये फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर है। इसके बाद भारतीय रिफाइनरियों को रूस से क्रूड ऑयल मंगाने के लिए शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कच्चे तेल का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने अपना मार्जिन कॉस्ट भी बढ़ा दिया है। इसकी वजह से भारतीय रिफाइनरी को ग्लोबल बेंचमार्क की तुलना में क्रूड ऑयल सिर्फ $10 प्रति बैरल ही सस्ता पड़ रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार रूस का क्रूड ऑयल पहली बार अप्रैल में भारत के कुल तेल आयात का 5% हिस्सा बना था। रिफाइनरी ने मांग और बढ़ती कीमतों के बीच सस्ते तेल के लिए रूस की तरफ रुख किया था। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारतीय रिफाइनरी अधिक शिपिंग कॉस्ट के कारण बहुत कम रूस के तेल का इस्तेमाल करती थी। यूरोपीय संघ अपने इम्पोर्ट तेल का 27% हिस्सा रूस से लेता है। युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप रूस के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार लगातार बना हुआ है। ब्रिटेन को अपनी तेल की जरूरत का 8% रूस से इम्पोर्ट होता है। फिलहाल भारतीय बाजार में फ्यूल प्राइस लगातार स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।